नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक। और दोस्तों आज चैप्टर नंबर 5 है और उसका पहला चैप्टर है क्लास 5 का चीट, कैसे पहचाने चीटी ने दोस्त को। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता है और आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी आपको कहानी जैसे सुनकर याद हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, केवल आप इसे कहानी जैसे सुनिए, आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा वीडियो याद हो जाएगा। तो आज पहला चैप्टर है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपने एक्चुअली चींटियों को देखा होगा, चींटियां जो होती है एक दूसरे के पीछे एक कतार में चलती है, कभी भी इनकी कतार डिस्टर्ब नहीं होती। आप डिस्टर्ब भी कर देते हैं तो भी ये कतार बना लेती है, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा ये माना गया है, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, कि जब चींटियां चलती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं और दूसरी चींटी उन्हीं गंध को सूंघकर उसके पीछे पीछे चलती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। दोस्तों आपने एक्चुअली एक चीज और भी देखी होगी कि यहाँ मच्छर जो होता है ये आपको कहीं भी ढूंढ लेता है, आपको अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। तो कैसे होता है? देखिए, मानव के शरीर में गर्मी होती है, इस गर्मी को फील करके मच्छर आपको अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। या ऐसा माना जाता है कि जो तलवे होते हैं वो तलवों में भी जो गर्मी होती है ना, उससे भी मनुष्य को मच्छर जो होता है अंधेरे में ढूंढ लेता है। दोस्तों अब हम चलते हैं रेशम कीट के पास। रेशम कीट एक कीड़ा है दोस्तों, जो अपनी मादा की गंध कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूं, रेशम कीट का पालन रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है और रेशम कीट जो होता है ये आपको सहतूत के पेड़ों में पालन किया जाता है रेशम कीट का, और इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। आपको ये बताना है कि रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन यहाँ बता पाते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर डॉग के पास, कुत्ते के पास। आपने कई बार कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता जो होता है अपना मलमूत्र त्याग कर देता है और मलमूत्र त्याग करने के बाद अपने इलाके की पहचान बनाता है। ऐसा महज कुत्ता ही नहीं करता है, ऐसा बाघ भी करता है, ऐसा शेर भी करता है, ऐसा चीता भी करता है। इन लोग क्या करते हैं, जहां भी मलमूत्र त्याग करते हैं, कोई दूसरा कुत्ता या कोई दूसरा जानवर आता है तो वो उसके क्षेत्र को पहचानता है कि हाँ ये किसका क्षेत्र है। तो ये भी एक एनसीईआरटी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। आगे हम लोग चले यहाँ पर देखें तो और भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं चैप्टर 1 पे, जैसा कि आप लोगों को पता है। आगे चलते हैं। आपने देखा है ज्यादातर जो पक्षी होते हैं इनके सिर के दोनों तरफ आंख होती है, केवल उल्लू को छोड़कर। उल्लू के सिर के दोनों तरफ आंख नहीं होती, उल्लू की आंखें एकदम सीधी होती है, एकदम स्ट्रेट होती है, मनुष्यों की तरह होती है, ये आपको याद रखना है। पर अधिकांश पक्षी आपने देखा होगा दोनों तरफ आंखें होती है और इसलिए दो अलग अलग चीजों को ये एक ही समय में देख सकते हैं। और जब ये दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं दो अलग अलग चीजों को देखने के लिए, तो इनके देखने की जो आईसाइट होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ किसी भी चीज को देखने के लिए इन्हें गर्दन को हिलाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इनके पास अगर हम देखें तो घूमने वाली आंखों की पुतलियां नहीं होती है। अब आंखों की पुतलियां ना घूमने के कारण इन्हें गर्दन घुमा के चारों तरफ देखना पड़ता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पक्षी का चित्र है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पक्षियों को रिप्रेजेंट किया गया है और ये गर्दन घुमाकर यहाँ देख रहे हैं। अगर आगे हम लोग चलें तो बहुत सारे ऐसे पक्षी आपने देखे होंगे, जैसे कि चील हो जाता है, जैसे बाज हो जाता है, जैसे गिद्ध हो जाता है, जो हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और यहाँ पर अगर 4 गुना कहें तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा। मान लेते हैं हम लोग किसी चीज को 2 मीटर दूर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे चील, बाज और गिद्ध उसे कितने मीटर दूर से देख पाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, देखिए हम जो चीजें 2 मीटर से दिखाई देती है वह चीज उन्हें 8 मीटर से दिखाई देती है। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। तो आप याद रखेंगे कि जो चील, बाज और गिद्ध होता है हमसे 4 गुना देख पाते हैं, और जो बाज होता है, सॉरी जो बाघ होता है वो हमसे 6 गुना अधिक देख पाता है। एक मजेदार बात आपको बताता हूँ, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं जैसे उल्लू, बाघ आदि, इन्हें केवल 2 ही रंग दिखाई देते हैं, ब्लैक और व्हाइट, बाकी काले और सफेद रंग के अलावा इन्हें अन्य कलरों की अनुभूति नहीं हो पाती है। ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये वाला भी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ आवाजों के ऊपर। आपने एक्चुअली लंगूर देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा लंगूर
पेड़ों पर लटकता हुआ या पेड़ों पर बैठा हुआ। लंगूर क्या होता है, जैसे ही मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को एक संदेश पहुंचाता है कि मुसीबत आसपास में है, आप लोग सावधान हो जाओ। और अपने इलाके के जानवर को ये चेतावनी देने का कार्य करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों, लंगूर करता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इस वीडियो को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं 30 out of 30, दैट इज वाई आपको पूरे सेशन लेने चाहिए ईवीएस के, तब आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। आगे चलते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने में कुछ समय पहले अजीब सी हरकत करने लग जाते हैं, ये आपने देखा होगा, क्योंकि उन्हें अनुभव हो जाता है कि यहाँ कोई आपत्ति, कोई अनहोनी होने वाली है, जैसे सुनामी आने वाली है या जैसे भूकंप आने वाली है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे। बात है 2004 दिसंबर की। यहाँ पे सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों ने एक अजीब सी हरकतें चालू कर दी थी और चेतावनी देकर आवाज देने लगे थे। और ये अंडमान का कहना चाहिए घटना है, और यहाँ के आदिवासी लोग इस बात को बिल्कुल समझ गए कि जानवर ये हरकत कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस जगह को तुरंत खाली करना सही समझा और तुरंत खाली कर दिया और उस भारी सुनामी से अपने आप को बचा लिया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2004 में सुनामी कहाँ पर आई थी, तो अंडमान में आई हुई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2004 दिसंबर में यहाँ सुनामी कहाँ आई हुई थी, तो अंडमान में आई हुई थी। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली किसने इलाके को खाली किया था, तो वहां के आदिवासी लोगों ने इलाके को खाली किया था। ये चीजें आप याद रखें, ये क्वेश्चन ना आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हम चलते हैं डॉल्फिन के पास। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है, आप जानते हैं, एक दूसरे से बात करती है, पर यहाँ वैज्ञानिकों ने इस तरह की जो अजीब अजीब तरीके की बात है उसे उनकी भाषा कहा है, ये बात भी आप याद रखें। डॉल्फिन इंसानों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, आप इस बात को भी जानते हैं मेरे हिसाब से। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, जैसे आपने देखा है कि शरद ऋतु जब आती है या शीत ऋतु जब आती है, तो आपको छिपकली या भालू नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये शरद ऋतु में चले जाते हैं, ये लंबी नींद लेने चले जाते हैं, लगभग 4 महीने के आसपास की नींद लेने के लिए चले जाते हैं। यही रीजन होता है जिसे आप शीत निद्रा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो एक्चुअली चले जाते हैं शीत निद्रा में। आज हम केवल एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, आपको बता दूं। हम लोग चलते हैं स्लॉथ के पास। स्लॉथ आपको भालू जैसा दिखाई देता है, पर भालू नहीं है ये। ये एक दिन में करीब 17 घंटे उल्टा लटककर सोता है। कितने घंटे सोता है, 17 आवर्स, है ना। और ये भालू नहीं है, पर भालू जैसा दिखता है। इसका नाम क्या है, स्लॉथ है। और कितने घंटे सोता है, उल्टा लटककर 17 घंटे सोता है। और जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, और यह इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब ये सारे पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो दूसरे पेड़ में चला जाता है। इसके 40 वर्ष की इसकी उम्र होती है, और 40 वर्ष की उम्र में मुश्किल से ही 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक सप्ताह में 7 दिन में एक बार ही मलमूत्र त्याग करने के लिए नीचे उतरता है, बाकी तो ये नीचे नहीं उतरता दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ जानवर दिए गए हैं, इनके सोने का समय दिया गया है। देखिए स्लॉथ का सोने का समय आपको रिप्रेजेंट किया गया है, जहां आप लोग देख पा रहे हैं एक स्ट्रिप 2 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। तो आप काउंट कर सकते हैं, 2, 4 और 6 निकाल दीजिए, तो आप लगभग ये 18 घंटे के आसपास निकल रहा है स्लॉथ सो रहा है। इसके अकॉर्डिंग पर 17 घंटे सोता है स्लॉथ। अगर आप छिपकली की बात यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ छिपकली कितने घंटे सोती है आपको ये बताना है। जैसे कि यहाँ पे गाय का दिया है, तो गाय भी ये 4 घंटे सो रही है। आपको अजगर का दिया, 18 घंटे अजगर सो रहा है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे यहाँ पर आपको सोते हुए दिखाई दे रही है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, 1 से 2 बार देखिएगा। इनकी स्लीपिंग टाइमिंग आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आपको कई बार ऐसा होगा कि बनेगा नहीं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। कितने गुना देख पाता है, 6 गुना देख पाता है, याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं। बाघ की मूंछ जो होती है, देखिए मूंछों के बारे में ध्यान से सुनिएगा। बाघ की जो मूंछ होती है ना, हवा के कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार को बिल्कुल भी सही स्थिति का पता चल जाता है, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए भी उसके मूंछ की मदद ली जाती है। याद रखें इस चीज को भी। बाघ जो होता है अपने इलाकों को एक्चुअली मलमूत्र की गंध छोड़ देते हैं, और ये इसका इलाका होता है, कई किलोमीटर तक इलाका होता है इनका। कोई दूसरा बाघ अगर घुसता है तो वो पहचान जाता है कि भाई किसी दूसरे का इलाका है। पर देखिए बाघ जो होते हैं ना, मौके को देखकर आवाज बदल लेते हैं। अगर कोई यहाँ पे किसी को चमकाना है तो कुछ अलग आवाज रहेगी, बाघिन के साथ है तो कुछ अलग आवाज रहेगी। अगर एक बाघ अगर गुर्रा देता है तो लगभग 3 किलोमीटर तक क्या होता है, उसका साउंड जाता है।
बाघ हवा के पत्तों से हिलने और शिकार की झाड़ियों की आवाज में अंतर को भाप लेते हैं। बाघ के जो कान होते हैं ये बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यानपूर्वक यहाँ पे सुनेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपके पढ़ना और हमारे पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, बाघ अपने कानों को चारों तरफ घुमाता है और घुमाकर इकट्ठी करता है ताकि बारीक से बारीक आवाज को क्या कर ले, बाघ सुन पाए। तो ये था आज पूरा एनसीईआरटी का विश्लेषण। अगर आप इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, एक एक चैप्टर रोज देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा चैप्टर नहीं है, अगर हम लोग बात करें क्लास 5th की तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 10-12 चैप्टर होने चाहिए, फिर भी देख लेंगे एक बार कितने चैप्टर्स है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे एक और सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा और अपना कमेंट में ओपिनियन दीजिएगा कि क्या इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।